दर्शकों, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, देखा जाए तो आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि उसका रंग गोरा हो, वो भी औरों की तरह सुंदर दिखे। लेकिन मार्केट में ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं जिनको यूज करके हमारी स्किन उस टाइम के लिए तो सुंदर दिखती है, लेकिन बाद में हमारा चेहरा हो जाता है डल। जी हाँ, और ये महंगे प्रोडक्ट की मार हमारी चेहरे पर छोड़ जाती है एक गहरा असर, जिससे हमारी स्किन डल भी हो सकती है तो कभी कभी हमारी स्किन अच्छी भी हो जाती है। तो आज हम आपको बताने आए हैं घर पर बनाए हुए फेशियल के बारे में, और इस फेशियल से आपकी त्वचा काफ़ी गोरी हो जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कॉफ़ी से आप कैसे फेशियल कर सकते हैं। रोज़ सुबह आप वैसे तो कॉफ़ी को पीने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि आप दिन भर एक्टिव रह सकें, जिससे कि आपका बीपी भी सही रहे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कॉफ़ी भी फेशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, कॉफ़ी को आप चेहरे पर फेशियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉफ़ी से आप फेशियल कर सकते हैं, आपकी मुरझाई हुई त्वचा कैसे हो जाएगी एकदम से एक्टिव। जी हाँ, तो चलिए बताते हैं आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना होगा अपने चेहरे को साफ, और चेहरे को साफ करने के लिए आपको लेना होगा गर्म पानी, और इसमें एक साफ कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में डिप करके अपने चेहरे पर कॉटन की मदद से साफ करना होगा, जिससे कि आपकी स्किन हो जाएगी नरम और चेहरे पर लगी गंदगी निकल जाएगी। गर्म पानी की भाप से भी, यानी कि स्टीमिंग की मदद से भी आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं, जिससे कि आपके चेहरे पर ब्लॉक पोर्स खुल जाएंगे और चेहरे की गंदगी निकल जाएगी। इसके बाद आपको करना होगा चेहरे पर स्क्रब। जी हाँ, जब आप चेहरे पर स्टीम लेंगे, जिससे कि आपके चेहरे के ब्लॉक खुल जाएंगे और आपका चेहरा फेशियल के लिए एकदम तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आप करेंगे स्क्रब। और स्क्रब को कैसे तैयार करना है ये हम आपको बताएंगे। चेहरे के स्क्रब को करने के लिए एक चम्मच कॉफ़ी और एक चम्मच ब्राउन शुगर, यानी कि चीनी। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर को पिच करके बारीक कर लीजिए, और ज़्यादा बड़े दाने से आपके चेहरे को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए आपको शुगर को थोड़ा बारीक करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि इसमें एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच ग्लिसरीन, और इन सारे मिक्सर को एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लीजिए, और इसके बाद आप अपने चेहरे पर 5 मिनट तक इसे हल्के हाथों से रगड़ लें, और 5 मिनट हो जाने के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर गंदगी निकल जाएगी, ब्लैक हेड्स और डेड स्किन्स भी हट जाएगी। साथ ही है तीसरा स्टेप, जिससे आप मसाज करेंगे, और मसाज करने के लिए आपको एक चम्मच कॉफ़ी और एक चम्मच एलोवेरा जेल को लेकर मसाज के लिए मिलाना होगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल प्राकृतिक नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल, लेकिन बादाम का तेल डल या द्रव्य स्किन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 4 चीज़ों को लेकर एक क्रीम जैसा ना लगाएं, मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने चेहरे पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक मालिश करें, और 5 मिनट के लिए चेहरे पर इसे लगा छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें। वहीं फोर्थ स्टेप है चेहरे को टाइटिंग करने के लिए, यानी कि फेस मास्क। जी हाँ, कॉफ़ी का फेस मास्क बनाने के लिए आपको लेना होगा एक कटोरी में 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच चावल का आटा, और इसमें 1 चम्मच हनी, जी हाँ, और 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर भी आप पेस्ट बना सकती हैं। और इस मास्क को आप अपने चेहरे पर 20 से 25 मिनट तक लगाए रखें, और इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फेस पैक में हम कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं। कॉफ़ी की मदद से हमारी स्किन टाइट हो जाती है, और जो कि हमारे चेहरे के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो दर्शकों, जानकारी के लिए आपको एक चीज़ और बता दें, ये गर्मी की ऋतु में भी आपको उपयोगी है। कॉफ़ी में मिनरल विटामिन होते हैं और मॉइस्चराइज जैसा काम करके क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग स्किन बनाने में आपकी बहुत मदद करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने इस उपाय को अभी यूज़ नहीं किया है तो आप भी अपने घर पर करके देख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।